हेलो फ्रेंड्स, आज हम पापड़ी बनाएंगे। हमारे यहाँ पापड़ी बहुत फेमस है और हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद भी है, तो आज हम पापड़ी बनाने वाले हैं। पापड़ी बनाने के लिए पहले मैंने आटा, मैदा और रवा को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया बराबर बराबर। उसमें नमक, जीरा, अजवाइन डाल के और जो आप तेल, रिफाइंड, डालडा, घी, जो कुछ यूज़ करना करते हो वो उसमें डाल लो, जिससे लड्डू बनने लगे इतना डाल लो। इतना डालने के बाद पानी से आटे की तरह गूंथ लो। उसके लिए 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दो ढक के। उसके बाद हम इसकी पापड़ बनाएंगे। जैसे रोटी का साइज़ होता है उसी साइज में हम इसके पतले पतले पापड़ बेल के डाल देंगे 1 घंटे के लिए, जब तक ये सूख से जाए हल्के हल्के। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पापड़ी हमने बना ली है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फैन में डाल दिए सूखने के लिए। उलट पुलट के 1 घंटे रेस्ट दे देंगे इन्हें। देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हमारे बॉयल हो गए हैं, आलू इन्हें छील लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, नींबू का इतना बॉयल कर लिया है। बॉयल करके हमने इसको कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। घी डाल के जो हमने पापड़ बनाए थे, डाल के रखे थे, उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम सेक लेंगे। ऐसे हम फ्रेंड्स एक के बाद एक हम सेकते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पापड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम मसाला बनाते हैं इसका मिक्सचर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पापड़ी रेडी हो गई है। हमने इसमें जो मसाला रेडी करके रखा था, फिर वो हमने उसमें मिला दिया है। और अब हम इसमें गरम मसाला और खटाई पाउडर और काला नमक डाल के मिलाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें अब नींबू भी डालूँगी। अब हम इसको मिक्स करके सर्व करेंगे। अगर आप और पापड़ी डालना चाहते हैं तो इसमें आप तोड़ के और पापड़ी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी ट्राई करना फ्रेंड्स।